खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या शहर के एक होटल के सभागार में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह राज्यसभा सांसद सदस्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर भाजपा सरकार में राजनीति करनी है तो एनकाउंटर के लिए तैयार रहिए, लाठी खाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अगर इतना जोखिम उठाकर राजनीति करने का साहस रखते हैं तब तो भाजपा की सरकार में राजनीति कीजिए, वरना किसी डॉक्टर ने नहीं कहा आप आराम से घर बैठे। संजय सिंह ने कहा है कि कर्नाटक के जो चुनाव परिणाम आए हैं वह इस बात का संदेश है कि हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु बजरंगबली की तुलना अगर आप किसी संगठन से करेंगे, मुद्दों की बात ना करके नफरत की बात फैलाने की कोशिश करेंगे, 40% कमीशन की सरकार चलाएंगे तो जनता आपकी जमानत जब्त कराएगी, ये आपको चुनाव में हराएगी। भाजपा सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष का गला दबा के नफरत की राजनीति को आप स्वयं बढ़ाएंगे तो अब जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं। उसने कर्नाटक से आपको जवाब देने की शुरुआत की है, आने वाले दिनों में बाकी चुनाव में भी यही परिणाम देखने को मिलेंगे। 2024 में जो भी सरकार आपको देखने को मिलेगी वह कहीं ना कहीं गठबंधन की ही होगी, इससे इधर कोई सरकार नहीं हो सकती। बुलडोजर का आतंक दिखाकर राजनीति करने का ये खेल लंबे समय तक नहीं चलेगा, और इसलिए अब काम की बात करनी होगी, जो काम की राजनीति दिल्ली, पंजाब और दूसरे राज्यों में पहुंच रही होगी। देखिए, जब आप एक कॉमेडी कंपनी बना लेते हैं तो फिर उसकी प्रतिष्ठा तो आपने धूमिल कर दी। सीबीआई की, ईडी की अपनी एक प्रतिष्ठा थी कि भाई हाँ, ये एक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। कांग्रेस ने भी उसका दुरुपयोग किया, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये सरकार का तोता है। अब इन्होंने तोता मैना दो बना लिया, एक तोता है सीबीआई, दूसरा मैना है ईडी। तो ये तोता मैना के माध्यम से विपक्ष के लोगों को पकड़ना, फर्जी मुकदमे लगाना, फिर गलती मान लेना, जैसे मेरे केस में किया, मैंने डिफेमेशन का नोटिस दिया तो मुझसे गलती मान रहे हैं। अब अजय सिंह का तो संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो गया? कह रहे साहब लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। और एक बार नहीं, अभी कोर्ट में उन्होंने चिट्ठी दी है, कोर्ट में उन्होंने लिखा कि हमने 3-4 सीट में गलत नाम लिखा संजय सिंह का, खुद लिख के दिया। आप सोचिए, अब मैं अगर सजग नहीं रहता तो बदनाम करते रहते। तो अगर आपने एक विपक्ष को फंसाने की, बदनाम करने की एक ऐसी कॉमेडी कंपनी खोल रखी है, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, ईडी को तो मैं अभी एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कहता हूँ, तो अब इसकी चिंता अगर जिसको है तो वो राजनीति ना करे कि कल आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। अगर ऐसी चिंता आप करते हैं तो राजनीति मत कीजिए, कुर्ता पजामा उठा के घर में टांग दीजिए और आराम से बैठिए, कोई डॉक्टर ने नहीं बताया आपको राजनीति करने के लिए। मोदी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में, योगी के राज में अगर आपको राजनीति करनी है, इनकाउंटर के लिए तैयार रहिए, लाठी खाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए तैयार रहिए, किसी भी वक्त जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अगर इतना जोखिम उठाकर आप राजनीति करने का साहस रखते हैं तब तो मोदी के राज में राजनीति करिए, वरना कोई डॉक्टर नहीं बताया है, घर बैठिए आराम से। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।